ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਲਾਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਥ ਜੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਜੀ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਠਹਿਰਾ, 20 ਸਾਲ ਫੌਜ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਹਾ, ਜਹਾਜ਼ੋਂ ਕੋ ਉਡਾਤੇ ਰਹਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਸੇ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਬਲਾਕ ਅਫਸਰ ਰਹਾ ਲਗਭਗ 9 ਵਰਸ। ਤੋ ਹਮਨੇ ਨਰਸਰੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਾਊਥ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ, ਔਰ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੁਆ ਉਸਮੇ ਹਮਨੇ ਔਸਧੀਯ ਪੌਦੇ ਵੀ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਏ। ਤੋ ਵਹਾਂ ਸੇ ਲਗਾ ਕਿ ਪੌਦੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਪੌਦੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਕਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਔਰ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਅਭੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖੀਏ, 46-47 ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਅਭੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰ ਹਮ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਗਏ ਥੇ ਵਹਾਂ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਹਮਨੇ ਕਾਟ ਦੀਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦੀਏ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਾ ਕਿ ਇਸਸੇ ਬੜਾ ਹਮਾਰਾ ਕੋਈ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ। ਹਮ ਛਬੀਲ ਵੀ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਪੇੜੋਂ ਕੇ ਨੀਚੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਹਮੇਂ ਪੇੜ ਕੋ ਬਚਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜੀ। और बहुत दिन से मेरे दिमाग में था, उसमें हमारे बंटी जी का भी सहयोग रहा है। हम लोगों ने 42 लेक पे बहुत सारे प्रोग्राम किए पर्यावरण के ऊपर, तो ये शुरू करना था। फिर रामनवमी के दिन इसकी शुरुआत तो हो गई, लेकिन आपको पता था कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तो किसी भी कम्युनिटी सेंटर में इसको हम लोग शुरू नहीं कर पाए। तो आज पहली बार चुनाव खत्म हुआ है, चंडीगढ़ को नया सांसद भी मिले हैं, चंडीगढ़ को उम्मीद भी है कि नए सांसद अच्छा कुछ करें, चंडीगढ़ के पर्यावरण का भी ध्यान रखें। तो आज बंटी जी के वार्ड नंबर 24 में इनके कम्युनिटी सेंटर में प्रोग्राम भी है, उनके धन्यवाद का। उसी के अवसर पर हम लोगों ने सोचा कि आज से कम्युनिटी सेंटर के अंदर भी इसकी शुरुआत होगी। अभी वो दवाइयों की छिड़काव करेंगे पेड़ों के ऊपर, उनके में अपने मेयर भी करेंगे, काउंसलर साहब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी और आगे हमें एक पौधों का अस्पताल भी शुरू करना है। पौधों का अस्पताल? जी जी, आपको सुन के अजीब लग रहा होगा, ट्री नहीं, पहले तो एम्बुलेंस देख के अजीब लग रहा है जी। आप ही नहीं, ट्री एम्बुलेंस सुन के मेरे से लोग पूछते रहते हैं क्या है, कैसा आइडिया। वैसे ही हमने सोचा कि चलो एक तो चलता फिरता अस्पताल हो गया, लेकिन एक हम परमानेंट पौधों का अस्पताल 49 सेक्टर में त्रिशक्ति मंदिर है वहाँ पर करने जा रहे हैं। अभी भी इसके हमारे 3 हेल्प डेस्क बने हैं ट्राई सिटी में, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला। मोहाली में जैन स्थानक के साथ है और पंचकूला में भी जैन स्थानक और यहाँ त्रिशक्ति मंदिर। बाकी हमारी टीम घूमती रहती है, कोई भी कंप्लेन आता है हम 6 से 8 घंटे में उसको अटेंड करके लोगों को राहत देते हैं। अच्छा, ये एम्बुलेंस का वर्क क्या होगा, थोड़ा सा आप बताएं। इसका वर्क ये है कि देखिए, एक मैं नया मतलब लोगों को आइडिया देना चाहता हूँ कि भाई हम बोलते हैं मैंने 1 करोड़ पौधे लगाए। मैं उससे डिपार्टमेंट में भी रहा तब भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता था कि हम बचाने पर फोकस करें। तो मेरा लेने का यही मकसद था कि हमने जो डिपार्टमेंट छोड़ने के बाद भी जो हमने वाटिकाएँ तैयार की, गार्डन, उनकी देख रेख कौन करेगा, हम सरकार को थोड़े कोसेंगे। तो हमने उनके देख रेख के लिए किया और आपको जब टाइम मिलेगा आपको दिखाऊँगा कि पिछले 22 और 23 में जो हमने पौधे लगाए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, जैन स्थानक में, अलग अलग जगह, वो किस तरह तैयार हो रहे हैं। उसमें पूरा मदद कर रही है और हर जगह जा सकती है, पॉल्यूशन फ्री है। और इसके बाद से कोई भी पौधों में कहीं चूहों का अटैक है, कहीं दीमक का अटैक है, जैसे खबर आता है, फोटो आता है, वहाँ जाकर हम अटेंड करते हैं और लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। कुछ चीज़ें तो लोगों को बताने से ही सॉल्व हो जाती है। क्या दवाइयाँ वगैरह लेके जाओगे? हम जैसे आपके सामने रखा हुआ है स्प्रे वाला, स्प्रे की मशीनें होती हैं, लेडर है, कटर है, पानी की टैंक है और दवाइयों के डब्बे हैं, सारा कुछ इसमें है। जैसे अब आंधी तूफान आ गया, कोई ऐसा पौधा गिर गया जो रोड को ब्लॉक किया, हमारी एम्बुलेंस जाकर कट करके हटा देगी। चलो बड़े हम नहीं करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट का भी काम है, लेकिन जितना हो सकता हम लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। इसमें कितने एम्प्लॉइज रहेंगे? इसमें हमारे अभी तो इस पर हमारे 3 लोग रहते हैं, 2 आगे एक अंदर बैठते हैं, 3 लोग चलते हैं। बाकी हमारे जो सेंटर्स हैं उस पर वॉलंटियर हमारे पास लोग आ गए, क्योंकि इम्प्लाई तो हमने अभी 2 ही रखे हैं क्योंकि हमारे पास इतनी फंडिंग है नहीं ऐसे लोगों के सहयोग से किस तरह। और मैं अपने फौजी पेंशन के आधार पर काम चला रहा हूँ, कई लोग रोज़ पूछते हैं आपकी फंडिंग कहाँ से होती है, बट चल रहा है, ऊपर वाले की कृपा है, अच्छा काम है। तो उसमें हमारे पास वॉलंटियर्स बहुत सारी टीम रिटायर्ड लोगों की आ रही है, कोई प्रिंसिपल रिटायर्ड है, कोई मैनेजर रिटायर्ड है, दे आर डूइंग द जॉब। वो आ जाते हैं, 2-2 घंटे हमारे सेंटर पर बैठते हैं। जो पौधों का अस्पताल चलाना है उन्हीं के बल पर चलाएंगे। बंटी जी, एक मिनट आपका लूंगा, आपका इस बारे में क्या कहना है, आप काउंसलर हो, एक नई जो शुरुआत हुई है इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा विषय है जी। अगर हम आप देखिए आज की जो हमें ज़रूरत है,
प्लांट्स की सबसे ज़्यादा जरूरत है। आप देख लीजिए इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये ट्री एम्बुलेंस पेड़ लगाएंगे तो भी हमारा शहर देश बच पाएगा जी। चलो थैंक यू। मैं तो देखो एक नवी जड़ी है शुरुआत हैगी है ट्री एम्बूलेंस के ना तो ये शुरुआत हैगी है एक बड़ी मतलब अच्छी सोच की निशानी है। तो देखो आदमी भी बीमार पैंदे आ, जानवर भी बीमार पैंदे आ और पेड़ पौधे भी बीमार पैंदे। इससे एम्बूलेंस का मतलब कि मकसद ये आ भी जेडे पेड़ पौधे बीमार पैंदे आ उन्हां दा इलाज किया जाए। जिदा मतलब दसिया गया कि आने वाले टाइम ते ट्री जड़ा होस्पिटल भी खोलिया जाएगा। ये तो एम्बूलेंस तो शुरुआत है पर ट्री होस्पिटल अपने आप जदि आप सोचिए भी ट्री होस्पिटल भी हो सकता है। लेकिन एक सोच जड़ी है वो शुरू हो गई है और सोच पता नहीं किस समय जड़ी है वो असल रूप विच सामने आ जाए। पर आज दी डेट च एक जरूरत बन गया क्योंकि साड़ी धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा। मैं दिनेश गोयल कैमरामैन सुमित के नाल दैनिक सवेरा टीवी लिए चंडीगढ़ तो। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।